एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका छोटा सा बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटा ने कहा, पापा आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? पापा ने कहा, उससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने थोड़ा गुस्सा से कहने के बाद, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। यहाँ सुनकर बेटा ने दुखी हो गया और वहाँ अपने कमरे में चला गया। पर एक आधा घंटा बिताने के बाद वहाँ थोड़ा शांत हुआ, फिर वहाँ बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया, दरअसल दिन भर के काम के बाद मैं बहुत थक गया था। व्यक्ति ने कहा, सॉरी बेटा, मैं एक घंटे में 100 रुपया कमा लेता हूँ। थैंक यू पापा, बेटे ने बड़ी खुशी से बोला और तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने अपने गोले तोड़े और ढेर सारे सिक्के निकले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। पापा मेरे पास 100 रुपया है, क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, इस आपदा भरी जिंदगी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चे और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए ही कुछ बहुत बड़ा खो दिया।